सो हेलो गाइस, तो गाइस मैं आज आप सबको इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फेस करने का बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना होगा, एंड अगर आपको नहीं जानना है तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाइए। और इससे पहले ना, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो सेलिब्रेट कराऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने फेस स्मूथ का राज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको अपने मोबाइल गैलरी के अंदर आ जाना होगा। अब जो भी आपका ओरिजिनल फोटो उस पर आ जाइएगा, एंड फोटो को यहाँ से आप लोग शेयर कर लीजिएगा। मैं अभी फोटो को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस देखिए, जो मेरा फोटो है एक बार में अपलोड नहीं हुआ तो मैं दो बार कर लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो मैं दो बार कर लिया हूँ, एंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी लाइटरूम का आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन पर आप टैप कीजिएगा तो सीधे लाइटरूम ऐप के अंदर पहुँच जाइएगा। तो आपको ऑल फोटोज का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, एंड मैं अभी यहाँ पर टैप कर देता हूँ, एंड मेरा फोटो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं अपने फोटो पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। इन गाइस क्लिक करने के बाद हम लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे। नीचे आप देखिए लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको इस पे आ जाना होगा। इन हाइलाइटेड को 100 माइनस करना होगा, एंड शैडो को मैं अभी 29 के करीब प्लस कर लेता हूँ, एंड वेट को हम लोग यहाँ से मतलब इसको हम लोग कुछ स्टेप से 83 के करीब माइनस कर लेते हैं। एंड गाइस हम लोग ब्लॉकेड वाले ऑप्शन को भी माइनस कर देते हैं, लगो इसको हम लोग 68 के करीब माइनस कर देते हैं। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, एंड कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस हम लोग मिक्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। यहाँ पे टैप करेंगे एंड हम लोग इस वाले टून पे आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट काम इस वाले टून पे आएंगे। तो मैं आपको अब बताता हूँ, इसका सैचुरेशन आप माइनस कर लीजिएगा 83 के करीब, एंड इसका लुमिनस 100 प्लस कर लीजिएगा। तो आप खुद देखिए कि फेस कितना ज्यादा व्हाइट हुआ है। इसको माइनस करते हैं तो ब्लैक हो जा रहा है, इसको प्लस में व्हाइट हो जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। एंड गाइस आपको इस वाले टून पे आ जाना होगा। मैं अभी आ जाता हूँ, इसका सैचुरेशन एंड लुमिनस को माइनस कर देता हूँ, एंड इस पे आएंगे, एंड इसका सैचुरेशन लुमिनस माइनस कर देंगे, एंड इस पे आएंगे, इसको भी सेम करेंगे, ठीक है। इस दोनों को सबको सेम कर लेंगे, ठीक है। इस पे आएंगे एंड इस पे आएंगे, इसको भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले टून पे आएंगे, इसका तीनों मतलब जो है ह्यू सैचुरेशन लुमिनस को 100 प्लस कर लेंगे। एंड गाइस हम लोग रेड वाले टून पे अब आएंगे, वन नंबर पे यहाँ पे आएंगे, इसका लुमिनस हम लोग प्लस कर लेंगे केवल, ठीक है। एंड फोटो को यहाँ से डन कर देंगे। एंड हम लोग डन करने के बाद यहाँ इसी के बगल में आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा प्लस कर लेना होगा 47 के करीब, एंड बिगनिंग वाले ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा 22 के करीब। तो बिफोर एंड आफ्टर में फोटो को देख सकते हैं। एंड अब फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर कर लेते हैं। तो अब गाइस फोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केटू का एप्लीकेशन के अंदर। तो एंड गाइस यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे जो है ना आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे, फोटो मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है, एंड सबसे फर्स्ट आपको फेस स्मूथ करने का राज बताने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको सबसे फर्स्ट यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड गाइस मैं आ गया हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस स्मॉल वाले ऑप्शन को देख लेना होगा, एंड यहाँ पे आपको ये बल्ब ब्रश मिल जाएगा। एंड मैं भी फिलहाल इस पर क्लिक कर दिया हूँ, मैं पहले से सेलेक्ट किया हूँ, ये मेरा रियल राज है, माई सीक्रेट ट्रिक है, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ से आएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, एंड जो भी यहाँ पे भी है मेरा सीक्रेट ट्रिक है ये भी, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका फॉलो फॉर स्टेन फॉर इस तरीके से आप कर लीजिएगा। एंड जो इसका साइज है ये भी मेरा रियल तरीका है, ठीक है, ये मेरा रियल तरीका है। एंड इसको 49 के करीब कर लेते हैं। साइज तो गाइस आप अपने हिसाब से कीजिएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड कट कर देंगे, एंड कट करने के बाद हम अपने फोटो पे कुछ स्टेप से हम अपने ब्रश को अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए कि फेस कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसको स्मूथ कर लिया हूँ, आप लोग देखिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आप लोग रियल देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ना, आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि देखिए गाइस फेस स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको देख सकते हैं खुद आपकी कि मैं कितना आसान तरीके से कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रियल राज है मेरा, ठीक है। एंड आप लोगों को कुछ स्टेप से कर लेना होगा। तो यहाँ पे इजी तरीके से बहुत आसान तरीका है, तो हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं।
तो गाइस आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते कि मतलब जो भी हमारा फेस है हम इसको कितना हार्ड क्वालिटी में स्मूथ कर लिए हैं। एंड इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कैसे जो है ना यहाँ पे आप कट को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ ना बहुत ईजी है एंड बहुत ईजी है। तो इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट ब्रश वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। एंड मैं लाइब्रेरी पर आप टाइप करें तो ब्रश को चेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है, कट लगाने के लिए। तो आपको सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको ये देख लेना होगा। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला ब्रश, ठीक है। एंड इस पर टैप करते हैं एंड हम लोग सेटिंग पे आ जाते हैं। एंड इसका सेटिंग पे आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे स्मॉज वाला ऑप्शन सेलेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा है, अगर यहाँ से आप पर कोई भी आपका दूसरा हो इरेजर एंड कोई भी चीज़ तो आप यहाँ से स्मॉज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्मॉज वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। एंड इसका फॉलो 100 कर लेंगे एंड इसका स्ट्रेन भी 100 कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेन, एंड यहाँ से हम फॉलो को 100 कर लेंगे। एंड इसका जो साइज है मैं 10-9 के करीब कर लेता हूँ एंड मैं कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद गाइस अब आएंगे हम लोग यहाँ से इस वाले स्केल वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आने के बाद ड्रो स्टाइल पे क्लिक करेंगे एंड मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एंड कुछ स्टेप से करना होगा, कुछ स्टेप से कट को अप्लाई कर लेना होगा। देन गाइस देखिए कितना हार्ड क्वालिटी में कट लगा है आप लोग देखिए। एंड यहाँ से कट करेंगे एंड फिर से हम लोग ब्रश वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, लाइब्रेरी पे टैप करता हूँ, जिस ब्रश से फेस को स्मूथ किए थे वो वाला ब्रश फिर से ले लेंगे। एंड इसके सेटिंग पे आ जाएंगे, फिर से सेटिंग पे आएंगे एंड इसका साइज थोड़ा सा माइनस कर लेंगे 10 के करीब एंड 11 के करीब कर लेंगे एंड कट कर देंगे। एंड जो भी इसका जो मतलब ये चीज़ है ना हम लोग यहाँ से दिखाई दे रहा था तो इसको मिला लेंगे। तो कितना हार्ड लग रहा है आप लोग खुद देखिए। तो अब फोटो को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ से शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे बॉक्स वाले ऑप्शन पर एंड शेयर पर क्लिक करके अदर वाले ऑप्शन पर टैप करके फोटो को शेयर कर लेंगे टूलबिज ऐप के अंदर। तो अब गाइस आपको बताएंगे कैसे जो है ना आप अपने हेयर पे ऑयल पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप से आइएगा इधर की तरफ एंड आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। एंड इस पर टैप कीजिएगा एंड आपको सॉफ्ट स्मॉज वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। ये चीज़ कितना आसान है। एंड यहाँ से 3 और 4 के करीब आप कर लीजिएगा। तो मैं 4 के करीब कर लेता हूँ एंड मार्क्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इरेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ये पहले से रहता है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। एंड फोटो को हम लोग कुछ स्टेप से जूम करेंगे एंड अपने आँख पर का ऑयल पेंट को रिमूव कर लेंगे एंड कुछ स्टेप से कर लेंगे एंड फोटो को डन कर देंगे। तो डन गाइस आप लोग देखिए कि फोटो कितना ज़्यादा हेवी एंड कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो गाइस मैं फिर से मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।